अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के वो 24 प्रश्न लाए हैं, जिनमें से आपको चार प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको रीजनिंग में करना क्या है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में आकृतियां दो समुदाय में दी गई है। पहला समुदाय यहाँ पर आप देखते भी रहेंगे, दो समुदाय आपको दिए होंगे। एक इस जोड़े का संबंध इन दोनों से है, तो इनका संबंध इसी प्रकार से कैसे होगा, उसके लिए आपको ये चार उत्तर दिए जाएंगे। आपको छाट कर लिखना होगा कौन सा उत्तर सही है। अगर मैं इसी प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर देखता हूँ इन दोनों का एक जो संबंध है, क्या संबंध है। ये जो वृत्त है देखिए, वो आपका अंदर चला गया और जो अंदर की आकृति थी वो बाहर चली गई। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वर्ग है, तो वर्ग के अंदर ये षष्ठभुज जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको प्रश्न ए के अलावा अन्य कोई आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें दूसरे में, तो दूसरे में आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज के ऊपर एक वर्ग बैठा हुआ है, फिर एक वर्ग के ऊपर त्रिभुज बैठा है। तो ठीक इसी प्रकार से अब आपको करना सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये देखिए जो हमारा वर्ग था, ये वर्ग ऊपर बैठा होगा एक पंचभुज के ऊपर, तो पंचभुज देखिए ये हो गया है और उसके ऊपर एक वर्ग आपका बैठा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा ये है। अब आप तीसरे प्रश्न को बहुत आसानी से देख सकते हो। अगर मैं इस चित्र को यहाँ पर देखिए, घड़ी ऐसे घूमती है यानी क्लॉकवाइज, इस हिसाब से अगर इस चित्र को आप घुमाते तो ये पहले ऐसे बनता, फिर ये चित्र देखिए ऐसे बन गया। यानी इसका मतलब ये चित्र ऊपर से नीचे हुआ, यानी 180 अंश घुमाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से तीसरे में अगर मैं इसे उल्टा इसको कर दूं, मतलब इसको ऐसे 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 और ऐसे, तो अब आपको यहाँ पर देखना कौन सा ऐसा चित्र। तो बी के अलावा मुझे ऐसा कोई चित्र नहीं है जो बिल्कुल विपरीत हो। अगर प्रश्न चार की बात करूं तो चार में आपको दिखाई पड़ रहा है एक वृत्त का ये जो भाग ऊपर है ये नीचे आ गया है। ठीक इसी प्रकार से इसका भाग अब ये नीचे, यानी ये वाला ब्लैक होगा और ऊपर वाला ये सफेद होगा। इस हिसाब से चौथे का ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई नहीं दिख रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, देखिए ये बना हुआ बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें देखिए आठ रेखाएं थी, घट करके चार बची हैं। तो इसमें भी देखिए सीधी सीधी रेखाएं हैं, तो बिल्कुल सीधी सीधी ही इसके अंदर आठ थी, तो ये चार बचेंगी। तो चार बचने के लिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी सभी में इसमें देखिए ज्यादा हैं और बाकी ये हैं, लेकिन वो सीधी सीधी नहीं है। अगर मैं बात करूँ छठे की, छठे में आपको दिखाया गया है यहाँ पर चतुर्भुज था, चतुर्भुज से इसमें एक भुजा बढ़ा दिया गया, पंचभुज कर दिया गया। और यहाँ अगर पंचभुज है तो अगली चित्र जो है वो षष्ठभुज ही बनेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा, आपने देखा भी। अगर मैं सातवें प्रश्न की बात करूँ, सातवां प्रश्न अगर आप देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के पांच चिन्ह बने हुए हैं, जबकि आगे में घट करके चार बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए छः बने हैं, तो आगे घट करके पांच ही रहेंगे, पांच केवल और केवल ए में मिल रहे हैं, सातवें में ए, तो यहाँ पर आप सात का ए लगा देंगे। अगर बात मैं आठवें की करूं तो आठवें में अब आप देखिए इस चित्र को आप पहले ऐसे, जैसे आपकी घड़ी घूमती है ठीक उसी प्रकार से ऐसे चित्र था, अब हमने घुमा के ऐसे ले आया हूँ, यानी यू 90 डिग्री घुमाया गया। अब अगर इसको मैं 90 डिग्री घुमाता हूँ तो ये 90 डिग्री घूम करके आपका देखिए आठवें में कौन सा हो जाएगा, तो ये डी के अलावा अन्य कोई बनता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ नवे की, नवे प्रश्न में अगर आप इस चित्र को देखें और इस चित्र को यहाँ तक लाने के लिए अगर ऐसे लाया जा रहा है, तो ये पहले देखिए 90 डिग्री और 45, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर इसको भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऑप्शन जो नवे का है, सॉरी नवे का ऐसे नहीं बनेगा, नवे वाला ये हाँ ए की तरीके से 135 डिग्री ये घूम करके ऐसे आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दसवां प्रश्न, इसमें देखिए ये करणवत अपना स्थान बदल रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये अपना करणवत स्थान बदलेंगे तो आपका यहाँ पर पी और यहाँ पर ये एस हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं
अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न देखिए ऊपर से ये नीचे आ जा रहे हैं, तो ये नीचे ऊपर से अब यहाँ पर अगर ये नीचे आएंगे तो नीचे आने पर बिल्कुल ऐसा ही चित्र आपको बना होना चाहिए। तो गैरवम देखिए बी के अलावा अन्य कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। अगर मैं बारहवें की बात करूँ तो बारहवें में थोड़ा सा आपको अलग देखना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। बारहवें देखिए ये दोनों स्थान अपना अपना बदल रहे हैं, तो इसके हिसाब से अब ये यहाँ पर अगर स्थान बदलोगे तो पी और ये ब्लैक स्पॉट यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा केवल और केवल देखिए आपको सी में दिख रहा है और बी में भी फिलहाल ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो चिन्ह बचता था ये वाला, ये उठ करके आपका दूसरे साइड में और एक नया चिन्ह आ जाता, तो इसके हिसाब से देखिए बीच में आना इसमें जरूरी था जो कि यहाँ पर ये आ रहा और इसमें चारों कोनों पर है, इसलिए ऑप्शन सी ही सही होगा। अगर मैं प्रश्न 13 की बात करूं तो 13 में आपको बहुत आसानी से अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पर चार चित्र हैं, यहाँ पर पांच हो जाते हैं। इस पांच चित्र होने के अलावा ये अपना स्थान ऐसे चल रहा है, ये यहाँ आ जा रहा है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूँ तो 13 में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा यानी माइनस। तो ये देखिए माइनस केवल और केवल यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद सारे चिन्ह ऐसे 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 बदल रहे जो कि ए में है, अन्य किसी में मिल नहीं रहे। बात करूँ अगर 14 के तो 14 में जो चित्र आपको दिया गया और इसको आधा इधर वाला हटा दिया गया ये वाला चित्र, तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसको पूरा हटा दूँ तो इधर वाला यानी जो दाई हाँ दाई तरफ का चित्र है पूरा गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद मतलब इधर वाला चित्र नज़र नहीं आएगा। तो इधर वाला ना आए तो केवल ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई आधा काटने पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ये दो आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर देखिए त्रिभुज है तो आगे इनमें ये दो दो रेखाएँ इसे काट रही हैं। तो यहाँ पर ये चूँकि हमारे पास चतुर्भुज है तो इसको यहाँ पर चार भुजाएँ काटती थी, और यहाँ पर देखिए अगर तीन थी तो ये अगल एक एक दो दो भुजाएँ यहाँ बढ़ा दी गई प्रत्येक कोने पर, तो इसमें भी एक एक कोने पर एक एक भुजा बढ़ जाएगी, और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 15 में ए आपको नज़र आएगा। प्रश्न अगर मैं बात करूँ 16 की तो यहाँ पर देखिए चार भुजाएँ थी तो चार वृत्त लगाए गए, पाँच भुजाएँ हैं तो चार से पाँच हो गया, यहाँ पाँच है तो छः हो जाएगा, छः ऊपर एक वृत्त लगेगा। तो ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई आपको समझ नहीं आएगा। बात करता हूँ अगर मैं 17 की तो 17 में अगर आप देखें यहाँ पर त्रिभुज था तो इसको देखिए तीन भुजाएं काट रही हैं और सेंटर से होकर जा रहा है, यहाँ पर चतुर्भुज था तो इसको चार भुजाएं काट रही हैं और सेंटर से जा रहा था, यहाँ पर भी चार हैं चार काट रहे, तो इसका मतलब अगली कोई ऐसी भुजा होगी जितनी भुजाओं से बना होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये पाँच भुजाओं से बना है लेकिन छः भुजाएँ काट रही हैं, यहाँ पर चार है यहाँ पर छः से काट रही हैं, यहाँ पर चार है चारों से काट रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर सेंटर में नहीं है। लेकिन आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये पंचभुज है तो ये देखिए एक दो तीन चार और एक पाँच, यानी पांच भुजाएं हैं और पांचों सेंटर से होके जा रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। इसे आप बहुत कायदे से ज़रूर देख लीजिएगा, इस पर आप डाउट मत करिएगा। अगर मैं प्रश्न 18 की बात करूँ तो अगर मैं 18 में मैं बिल्कुल सही हूँ तो आप इसको दाएं का बाएं और बाएं का दाएं हो जाता है, नहीं ये दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। तो अगर 9 का अगर हम दर्पण में देखेंगे दाएं का आपका जो है बाएं हो जाएगा, और बाएं होने पर ये चित्र आपको कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा उल्टा 9 बना हुआ नज़र आएगा, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो आप दर्पण प्रतिबिंब में देख करके इसका आंसर बताएंगे। 19 में भी मुझे तो ये दर्पण प्रतिबिंब भी है, देखिए इसका ये जस्ट उल्टा हो गया, यानी ये देखिए इसका ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इसका देखता हूँ तो इसमें आपको दर्पण अगर प्रतिबिंब देखें तो इसका बी वाला नज़र आपको आएगा, ये देखिए इनका जस्ट उल्टा है, यानी दर्पण में ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर अगला जो प्रतिबिंब दिया गया है ये प्रतिबिंब आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है बल्कि जल प्रतिबिंब है। जल में क्या है, जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे दिखती है और नीचे की ऊपर दिखती है, इसका मतलब यहाँ पर
चित्र देखिए पूरा पलट गया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस चित्र को पलटूं तो आपको ये तीर दोनों नीचे आने चाहिए, जबकि न इसमें है न इसमें है न इसमें है, केवल ऑप्शन ए में एक ही चीज मिलाने से मिल रहा है। तो अगला भी अगर आप पलट के देखोगे तो ये देखिए दो चीजें ऐसे पलट जाएंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। अब आपको मैं ये 21वां प्रश्न आप देख लीजिए और इसका आंसर मुझे करके जरूर भेजिए, और इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। 22वें प्रश्नों को देखिए इसका क्या होगा, और इसका भी आप वो 100% आप बना लेंगे। बहुत सरल रीजनिंग इन दोनों की है, और इसके आधार पर क्या बनेगी आप देख सकते हैं। ऐसे ही 23वें में भी आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, और इसको देखिए दो भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांट करके कैसे बनाया जा सकता है इसका भी आंसर आप ही को देना है। और ये आपका अगला प्रश्न चौथा, इसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चित्र रंगा था, फिर ये ब्लैक पूरा ब्लैक वाला हट जाता है, वृत्त हट जाता है, उसके बाद क्या बचता है आप तुरंत देख पाओगे। और इसका भी उसी तरीके से जैसे तुलना करोगे इसका भी आंसर आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो कुल मिला के आज के हमारे 20 प्रश्न थे, 4 प्रश्न होमवर्क के लिए हैं। चारों प्रश्नों फटाफट आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।